सो गाइस यहाँ घोटा जा रहा है भोलेनाथ जी का प्रसाद, और ये वैसा प्रसाद नहीं है, ये समझो बहुत ही घातक प्रसाद है। इसके बाद इसे दूध में मिलाया जाएगा इसका पेस्ट बना के, और ये प्रसाद ऐसे है जिस किसी इंसान ने अगर इसे इसका सेवन कर लिया तो समझो उसे स्वर्ग नसीब हो गया, और बहुत ही घातक है समझो, मतलब दुनिया का सबसे खतरनाक नशा है, और पूरा ही मतलब प्योर शुद्ध है, देख सकते हो आप। वाओ ये देखो, इसे कहते हैं हरा माल, और बहुत ही प्यारा है और बहुत ही खतरनाक है। इसको इसका सेवन जब इंसान करता है ना तो इंसान के साथ पता क्या होता है, बहुत कुछ हो जाता है। सो एक क्लिप दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, इसे पीने के बाद आपके साथ क्या हो सकता है, तो देख सकते हो आप। जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज अभी हम आए सकेतड़ी घूमने। सकेतड़ी एक ऐसी जगह जहाँ भाई मतलब कहा जाता है प्राचीन शिव जी का मंदिर है, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, और अभी हम क्राउड दिखाएंगे, अभी तो हम खड़े हैं ऐसी नॉर्मली। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मतलब साल में आपको कोई नहीं दिखेगा, पर आज महाशिवरात्रि वाले दिन आपको ऐसा क्राउड दिखेगा। मैं दिखा देता हूँ, देखो सामने वो जा रहा क्राउड, ये देखो ऐसे ऐसे क्राउड दिखेंगे, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है, तो इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं, ताकि मैं भी आप जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण, वो ब्लॉग के ज़रिए थोड़ा बहुत कुछ देख लें। अब मुझे पता है वो चीज़ नहीं मिल सकती जो आँख से देखते हैं हम, बट आप ब्लॉग के ज़रिए थोड़ा आपको एंटरटेन कर दूँ वही बहुत है। तो फटाफट हम चलते हैं क्राउड के बीच। गाइस फेस और हेयर स्टाइल को इग्नोर करना इस वजह से, क्योंकि सुबह से धूप में घूम रहे हैं तो वैसे ही डार्क स्किन है, अब और ही डार्क हो गई है। गाइस अभी तो क्राउड या कुछ भी नहीं है, ये तो वापस जा रहा है क्योंकि हम लेट हैं, बाकी अभी तो 3-4 किलोमीटर वो देख रहे हो घर दिख रहे हैं, उससे बहुत आगे जाना है हमने, तब जाके कहीं हम मंदिर पहुँच सके पहुँचे, बट इम्पॉसिबल ही है वहाँ तक जाना, बट कोशिश हम करेंगे पूरी वहाँ तक जाने की। और अभी तो जनता देख रहे हो वापस आ रही है, जाने वाला कोई नहीं है, वापस ही आ रहे जितने लोग हैं, पीछे भी कुछ लोग हैं देख सकते हो आप। सो गाइस यहाँ पर बनाया जा रहा है महादेव का फ्री टैटू, और फ्री है तो भीड़ देखो, फ्री के हिसाब से तिलक लगाया जा रहा है महादेव जी का, तो भीड़ ज़्यादा है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हमारा भी मन है तिलक लगवाने का, क्योंकि भोलेनाथ का तिलक कौन नहीं लगवाना चाहेगा, बट भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, तो हम यहाँ से आगे चलेंगे। शांत करने के लिए जब देवगण निराश हो गए तो भगवान शिव जी स्वयं काली माँ के चरणों के नीचे आ गए। ये देखकर काली माँ का क्रोध शांत हो गया, काली माँ सारे जगत के प्राणियों के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं मेले के अंदर, और पीछे बैक साइड से बहुत भीड़ थी, तो बैक साइड से जा रहे हैं, सकेतड़ी का मेला लगा बहुत ही बड़ा है, अंदर चलते लेके आपको दिखाते हैं। थोड़ी सी गंदगी है ज्यादा, बस उसे इग्नोर करो, और इधर देखो मेला भाई, खतरनाक मेला, बहुत ही बड़ा मेला। तो अभी अंदर चलते क्या कुछ है दिखाते हैं आप लोगों को, बाकी तो आपके चक्कर में भाई फेस तो पूरा ही एकदम अलग ही हो गया, हेयर स्टाइल तो पता नहीं चल रही कहाँ जा रही है मेरी। सो गाइस मेला देख रहे हो कितना बड़ा, और इतने बड़े मेले में आए और ऐसी गेम ना खेले तो कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास है मनोरंजन खेल 30 रुपये में है, सभी को पता होगा 300 रुपये, तो अभी तो ये भाई दूसरी पार्टी है ट्राई कर रही है, उसके बाद ये जाएगा भाई गेम खेलेगा, ये 300 लेके आई हो, तो भाई ने कहा मैं 30 रुपये का 300 बना के रहूँगा तभी जाऊँगा, तो देखते हैं। और इधर तो ये ट्राई कर रही है दूसरी पार्टी, देखते हैं भाई दो गिरे।
1000 रुपया में करना है। तो गाइस अब हम ये गेम खेलने जा रहे हैं, 6 बॉल पे अगर सही जोड़े बने, जो नंबर लिखे हैं मेंशन हुए हैं वो नंबर अगर आता है तो हमें इनमें से प्राइज मिलेगा, जो जो नंबर डला है उस नंबर का। तो अभी हम खेलने जा रहे हैं भाई, पैसे निकाला है कितने हो गए टोटल कर भाई कितना। तो गाइस हमारे आए टोटल अंक 20 और हमें मिले 20 रुपए, 20 नंबर पे 10 रुपए। खुशी हो रही है भाई, देख ले भाई। तो अब मैं ट्राई करूंगा एक बार, मैं देखता हूँ क्या पता मेरी किस्मत साथ दे। भाई हम बोर्ड दूसरा चेंज कर लें, हम दूसरा चेंज करेंगे। वाला 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 ये बस हम इस पे ट्राई करते हैं, देखते हैं भाई। जय महादेव। पंद्रह कितने हो गए? 21। कोई ऐसा नंबर है? बड़े बना लो, सही बना लो। पांच में जाइए, पांच में, पांच में। वेरी गुड। पांच 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 पांच। ये 31। बस भाई कमाल कर दिया हमने, ये जीता हमने। कैसा लग रहा देखा, सारे पैसे वसूल कर दिए ना। तो गाइस फिर से हम आ चुके हैं, ये जीतने के बाद फिर से आ गए। लालच बहुत ही बड़ी चीज है। तो अब भाई के पास आए, इनके पास ना जो प्राइजेस है ना वो बहुत ही महंगे महंगे दिख रहे हैं, देख सकते हो। और वहाँ जो था वो थोड़ा सस्ता था। तो अब ट्राई करते हैं, चल टूर कर ले। तो भाई ये फिर से ट्राई करेगा। चार हार चुके हम, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि गेम में हम ज्यादा बिजी थे, कहते ना लालच बुरी वाला। देखा, चलो बराबर हो गया इसका। इतना घूमने के बाद भूख बहुत तेज लगी और बाल तो पूछो मत कैसे हो रखे, और शक्ल भी उस हिसाब से। तो अभी आया नूडल खाने हम। तो पब्लिक देख रहे हो पीछे, पब्लिक कितनी है। अब हम निकल रहे हैं घर की ओर, और देखो पब्लिक आगे भी देखो अरे पूरा, और पीछे भी देख लो। सो गाइस आज के दिन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मतलब फ्री में ही, यहाँ पे गन्ने का जूस फ्री मिल रहा है और भीड़ उसी हिसाब से लगी है। और यहाँ देखो गन्ने का जूस निकाला जा रहा है, और ये पंजाबी लोग ना जब कुछ करते हैं तो दिल खोल के करते हैं, और बड़ी खुशी होती है इनका भंडारा या कुछ भी चीज़ करते हैं बहुत दिल खोल के करते हैं। और बहुत ही भीड़ इकट्ठी हुई है, और यहाँ बट रहे हैं प्रसाद भोलेनाथ जी के, केले बांटे जा रहे हैं, और यहाँ पर भी भीड़ है। और हमने ले लिया है गन्ने का जूस, और हमने भैया से रिक्वेस्ट करके थोड़ी सी बर्फ़ डलवा ली थी क्योंकि गर्मी आ गई अब समझो। और देखो यहाँ कितने लोग लगे हैं गन्ने का जूस निकालने के लिए, और भीड़ भी उसी हिसाब से है। सो गाइस यहाँ घोटा जा रहा है भांग, और भांग भाई शिव जी का मतलब फेवरेट है, तो इसीलिए शिवरात्रि पर मतलब लोग भांग का सेवन करते हैं, भांग का जूस पीते हैं दूध में मिला के। तो यहाँ दूध भी तैयार हो रहा है अपना, और सेवा किया जा रहा है दूध का। ये देखो भाई कितना प्योर और शुद्ध है ये, और मैं कह रहा हूँ जिस इंसान ने इसे पी लिया ना वो मतलब स्वर्ग में ही चला जाएगा, क्योंकि इसका नशा बहुत ही खतरनाक वाला नशा होता है। तो देखो भाई ये देखो, आज भाई एक बाल्टी जूस निकालेगा पूरा, उसके बाद इसे दूध में मिला दिया जाएगा, और फिर इसके बाद सेवन किया जाएगा इसका, और फिर उसके बाद जन्नत। देखो भाई कंटिन्यू लगा भाई अपना ये सारे। सो गाइस ये है भाई अपना जो घोड़े का प्रसाद बना रहे हैं, और इधर देखो दूध की सेवा हो रही है, ये अपने भाई लोग जो की सेवा कर रहे हैं।